चलिए फिलहाल सीधे रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय की ओर। जितिन प्रसाद वहां पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हाथ उन्होंने थाम लिया है। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जितिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे, दून स्कूल से पढ़ाई की, श्रीराम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद, एमबीए करने के बाद अपने काम में लगे थे। जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा, लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता, दो बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते, पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था, वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं, मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है, मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक नैरो, एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे, और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता, और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं,
ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी आप भी कुछ कहना चाहें?